हलचल टीवी न्यूज। नगरपालिका चेका के प्रधान पद को लेकर होने वाला चुनाव स्थगित हो गया है, जिसके विरोध में शहर के हजारों लोग नगरपालिका कार्यालय के पास जमा हो गए और विधायक बलवंत बाजीगर व गुला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि चेका नगरपालिका के 17 वार्डों के लिए 22 मई को पार्षद पद के लिए चुनाव होने था, तभी से प्रधान पद के दावेदार अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। वही चुनाव के लिए नगरपालिका में पहुंचे पार्षदों को वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा चुनाव स्थगित होने की सूचना दी गई, जिसे मौके पर आए सभी पार्षद भड़क गए और चुनाव रद्द होने को विधायक कुलवंत बाजीगर का षड्यंत्र बताते हुए कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गुलाब विजय मोहन सियाल ने बताया कि आज का चुनाव रद्द होने की मुख्य वजह एसडीएम गुला कमलप्रीत को बीमारी की वजह से छुट्टी लेना है। एसडीएम के छुट्टी पर चले जाने के कारण आज का चुनाव स्थगित किया गया है और जैसे ही उच्च अधिकारियों की ओर से कोई आदेश आएगा चुनाव की दोबारा तारीख घोषित कर दी जाएगी। कौन से वार्ड से? तीन वार्ड। तो यहाँ पहुँचे आज चुनाव पोस्टपोन किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मैं खुद कैंडिडेट हूँ जी चेयरमैन पर्सन के लिए और यहाँ भी हमारे साथ पूरे एमसी हैं, 11 हैं, हमारे साथ पूरी सपोर्ट है, सबकी जन समर्थन पूरा है। आज हम यहाँ पे इलेक्शन करवा के जाएंगे, हमको यहाँ पे बुलाया गया है, 9:30 का टाइम दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, मैम लीव पे, मैम की लीव नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, ये लोग ऐसे ही पोस्टपोन करते हैं इलेक्शन। हम पोस्टपोन नहीं होने देंगे इलेक्शन, जब सारे हमारे साथ हैं तो हम इलेक्शन करवा के जाएंगे, हम करते बैठे कुछ भी करेंगे पर हम इलेक्शन करवा के जाएंगे। मैं वार्ड नंबर 11 से कमलजीत सिंह एमसी हूँ और मैं 122 वोटों से जीता हूँ और आज जो हमारे को नोटिस दिया गया था उसमें 9:30 इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन के लिए नोटिस दिया गया था और हम 10 एमसी सभी वार्डों से 10 एमसी आए हैं और रमन पिंटू की घरवाली अमनदीप कौर के नाम से जो जिसको हम समर्थन कर रहे हैं और उसी को चेयरमैन बनाने के लिए हमने आज यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि जिस टाइम हम आए तो तहसीलदार साहब ने कहा कि मैडम अभी आने वाली हैं, उन्होंने पूछा आप कितने एमसी हो, हमने ये बता दिया कि हम 10 एमसी हैं। जब मैडम ने ये पूछा कि 10 एमसी पहुंच गए हैं तो उसके बाद 10 एमसी को सुनने के बाद मैडम ने ये कह दिया कि मैं छुट्टी थी। जब तक अभी तक हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई पहले नोटिस मिला और ये सब इनकी सोची समझी साजिश है और ये पहले से ही प्लान था कि आज ये पहले से ही प्लान था। ये पुरानी बात है, हम इलेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ 11 कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन होना चाहिए, इन पे दबाव डाला जाने के लिए पोस्टपोन करें, हम डेट पोस्टपोन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, हमें इलेक्शन चाहिए और आज ही करवाएंगे। मेरी मैडम से बात हुई थी, मैडम कह रही थी कि जितने भी पार्षद जब पहुंच जाएंगे मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैंने मैडम को फोन किया, मैडम कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब होगी इसलिए मैं छुट्टी में हूँ। ऐसे मैं पहले चुनावों को लेकर कई बार विवाद भी हो चुके हैं, इस तरह से आपकी जिम्मेवारी नहीं बढ़ती, कैसे पोस्ट पर कोई और जिम्मेवारी नहीं बढ़ती। जिस तरह से यहाँ पर आज 10 पार्षद है पिंटू की सपोर्ट में आए हैं, उसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं हाँ जी, और दबाव के कारण आज पोस्टपोन किया गया है, ये तो क्या कहना चाहोगे? ऐसे है कि मेरे पास मैडम का फोन आया है, मैडम ने ये कहा है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं इलेक्शन नहीं करवा सकती, इसको आगे के लिए मैं पोस्टपोन करती हूँ, मैडम ने ये बात कही। भोला चेका से हलचल टीवी के लिए बब्बल कुमार गागर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।